श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज तीन मंत्र महावीर हनुमान के बारे में, वज्रंगवली के बारे में, जो वज्र को धारण करते हैं उनका तीन मंत्र हम आपको देंगे। बजरंगबली कलयुग में भैरव जी के समकालीन विचरने वाले देवता हैं। भैरव जी रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने कभी सशरीर पृथ्वी पर अवतरण नहीं लिया, लेकिन बजरंगबली ने सशरीर अवतरण लिया और श्री राम की सेवा भी की। बजरंगबली का कलयुग में बड़ा महत्व है। कहते हैं जिस घर में वास्तु दोष हो, उस घर में जो द्वार है उसके ऊपर अगर पंचमुखी हनुमान का तस्वीर लगा दे तो आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर के पूजा स्थान में अगर संगमरमर का बना हुआ महावीर की मूर्ति हो, महावीर मतलब बजरंगबली, तो घर में आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं और जो वास्तु दोष है वो तो दूर रहता ही है। मंगलवार को अगर 7 बार संध्या के समय में हनुमान चालीसा का पाठ हो तो जो दुष्ट ग्रह है, जो नीच ग्रह है, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अनेक हनुमान जी को लेकर के प्रयोग हिंदू ग्रंथों में, तांत्रिक विद्याओं में दिया हुआ है, लेकिन हनुमान जी की साधना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे साध्य और साधक का विषय होता है, तो हम लोग किसी भी देवता से आज के दिन इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमारा कोई मनोकामना पूर्ति होना होता है, हमारा कोई काम पूरा होना होता है। हे भैरव जी, मैं एक बोतल शराब चढ़ाऊंगा, मेरा ये कोर्ट का जो केस है वो खत्म हो जाए। उसी प्रकार आज जो तीन मैं विधान देने वाला हूँ, वो जब आप पूर्ण रूपेण संकट में हो तो संकट मोचन को याद कीजिएगा। सिर्फ इन मंत्रों का एक एक माला जाप करने मात्र से आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसका एक कंडीशन है। ये मैं कंडीशन आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन तीनों मंत्रों में जो सबसे विशेष मंत्र है उसके साथ ये कंडीशन दिया हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा कि बोला जाता है कि जंगलों में जाकर के साधना कीजिए, आप गुफाओं में जाके साधना कीजिए, या ऐसे मंदिर में जाके साधना कीजिए जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो। उसके पीछे कारण क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है? एक तो यह है कि डिस्टर्बेंस ना हो, ये सही है। दूसरा इसके पीछे बहुत मुख्य कारण ये होता है कि आप कहीं भी किसी भी देवता की साधना नहीं कर सकते हैं जहां पर कोई व्यक्ति जो उनका अविश्वास करता हो वो 900 मीटर, अभी मीटर की भाषा में हम बोले तो करीब 980 मीटर के परिधि में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि अविश्वासी हो। जैसे आप हनुमान जी की साधना अभी आप करने वाले हैं, तो आप जब इसका मंत्र जाप करते हैं तो ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर 1 किलोमीटर के रेडियस में लगभग कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो अविश्वास करता हो हनुमान जी पे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए उजाड़ वन में जाकर के साधना की जाती है। विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। एक बार नारद जी राम जी के पास पहुंचे तो राम जी बैठ करके एक डायरी में कुछ नाम लिख रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, ये आप प्रभु क्या करो? नारद जी का तो काम है रिपोर्टिंग करना यहाँ की बात वहां। तो उन्होंने बोला, मैं अपने जो श्रेष्ठ भक्त है उनका नाम लिख रहा हूं, अब इनको पूरा खुदबदी कि प्रभु जी मुझे देखने तो देखने दो। राम जी ने बोला, नहीं नहीं ये सब नहीं देखने देते हम। वो चले गए। फिर दूसरे तीसरे दिन आए तो फिर प्रभु जी नाम लिख रहे हैं। तो बोला, नारायण अब तो मतलब बर्दाश्त के बाहर है, आप मुझे दिखाई दो क्या है। जब तीसरा बार हुआ तो नारायण ना नहीं बोल पाए। उन्होंने श्री राम ने बोला कि हाँ देख लो भाई तुम डायरी। तो उन्होंने डायरी देखा
अब वो डायरी में एक ही नाम खोज रहे हैं, हनुमान जी का नाम कहाँ है, क्योंकि राम के सबसे बड़े भक्त कौन, हनुमान। हनुमान जी का पूरा डायरी पढ़ लिया, कहीं नाम ही नहीं। तो वो मुस्कुराए कि चलो एक और युद्ध करवाने का मौका मिला। उन्होंने श्री राम को कुछ नहीं बोला और वो चले गए हनुमान जी के पास आग लगाने के। देखो मैंने तो ऐसा डायरी देखा है, श्री राम जो है आपको भक्त नहीं मानते, जो भक्तों की उनकी डायरी है उसमें आपका नाम जो है वो नहीं लिखा है उन्होंने। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले कि चलो राम जी के पास, इस बात का वही फैसला होगा कि वो मुझे क्या मानता है। और जब वो वहां पे पहुंचे तो राम जी को उन्होंने बोला कि देखिए नारद जी का कहना है कि आप हमें भक्त नहीं मानते, इसीलिए भक्तों की डायरी में हमारा नाम नहीं है। इस पर श्री राम मुस्कुराए और एक छोटा डायरी, मतलब आज की भाषा में उसको डायरी कह रहे हैं, उसको निकाला और उसके बाद वो नारद जी को दिया। तो उस डायरी में सबसे ऊपर में हनुमान जी का नाम था। तो इन्होंने बड़ा असमंजस में पड़ गए, उन्होंने बोला बड़ी डायरी में हनुमान जी का नाम नहीं, छोटी डायरी में क्यों लिख रखा आपने। तो श्री राम ने बोला ये जो छोटी डायरी में नाम है ये उन भक्तों का है जिनका नाम मैं जपता हूँ, बड़ी डायरी में वो नाम जिसका जो मेरा नाम जपते हैं, और छोटी डायरी में वो नाम जिनका नाम मैं जपता हूँ। तो वो हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे कि श्री राम उनका नाम जपते थे। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो आराध्य है वो भी जो साधक हैं उनका नाम जपे। जब ऐसा आप में गुण आ जाएगा ना भक्ति का, तब आप ये समझ लो कि आप एक मंत्र बोलोगे बिना विधान का, बिना तंत्र का, बिना मंत्र का, बिना यंत्र का, और वो फलीभूत होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको पहला मंत्र बता रहा हूं। ये जो पहला मंत्र है इसको 21 बार जाप करना चाहिए जब किसी चीज में आप फंस गए हैं। ठीक है, मंत्र क्या है, ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहां जहां जाए फतह का डंका बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। क्या है, ओम पीर बजरंगी लक्ष्मण के संगी, जहां जहां जाए फतह के डंका बजाए, दुहाई माता अंजनी की। एक बार और सुनिए, ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहां जहां जाए फतह के डंका बजाए, दुहाई माता अंजनी की। जब बहुत परेशानी में हो तो 7 बार ये, और जब कम परेशानी में हो तो 21 बार इसको पढ़ना है। दूसरा मंत्र क्या है, सुर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार, अगम सुगम सब काम करू करतल सिद्धि विचार। सुर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार, अगम सुगम सब काम करू करतल सिद्धि विचार। ठीक है, इन दोनों मंत्रों के बाद अब मैं आपको वो मंत्र देने जा रहा हूँ जिस मंत्र को अगर बहुत ज़्यादा आप परेशानी में हो तभी प्रयोग करेंगे, और इस मंत्र के लिए ही वो एक कंडीशन है कि 1 किलोमीटर के परिधि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बजरंग बली पर विश्वास ना करता हो। ये जब रामायण की कथा समाप्त तो हो गई, श्री राम स्वर्ग को अपने अपने धाम को निकल गए, तो हनुमान जी पिदुरु पर्वत पर जाकर के रहने लगे। वहां पर जो भील जनजाति थी, जो आदिवासी थे, उन्होंने इनका बहुत अच्छे से सेवा किया। तो पिदुरु पर्वत जो है उसको पिदुरथल लागा गला भी बोलते हैं, ये लंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। जब यहाँ से हनुमान जी चलने लगे तो आदिवासियों ने बोला कि हमें कुछ तो ऐसा दे के जाओ प्रभु की, जब हम परेशानी में हो तो हम आपको बुलाए तो आप जो है अवतरित हो जाए। उस समय एक 7 अक्षर का मंत्र हनुमान जी ने उन आदिवासी भील आदिवासियों को दिया था, और कहते हैं कि जब बहुत परेशानी में हो, जब चारों तरफ से संकट में घिर गए हों, तो निर्जन स्थान पर जाकर के सिर्फ इसका एक माला जाप करना चाहिए, रुद्र अवतार खुद आकर के आपकी परेशानियों का निवारण करते हैं। मंत्र ढंग से सुनिएगा,
काल तंतु कारे चरंती ए नर मरिष्णु, नी मुरक्तेर काले तम अमृष्णु। पहला शब्द काल तंतु, दूसरा शब्द कारे चरंती, तीसरा शब्द एनर, चौथा शब्द मरीशनु, पांचवा शब्द नी मुरक्तेर, छठा शब्द काले त्वम और सातवां शब्द अमरिष्णु। ठीक है, इसमें मैंने म्यूजिक इसलिए बंद किया क्योंकि ये मंत्र आप लोगों को साफ साफ सुनाई दे, और जिस तरीके से मैंने इस मंत्र पर जोर दिया आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत गुप्त और बहुत काम का मंत्र है। जब बहुत परेशानी में हो इस मंत्र को हनुमान जी को बुला करके अपने समस्या का समाधान के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन निर्जन स्थान जहाँ से 1 किलोमीटर तक कोई ना रहता हो। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। इसमें हम तंत्र का जो शुरुआती विधान है, मतलब यंत्र, हवन, पूजन, भैरव पूजन, ये सब सिखाते हैं। जिनको आगामी कार्यक्रम जानना है, मेरा लेख पढ़ना है, वो www.aghortantrahasya पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए व्हाट्सएप पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। महावीर हनुमान आप सभी की रक्षा करे, आप सभी को निवारण दे, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।